जब कोई आपके काम की तारीफ करता है और उसको आपका काम अच्छा लगता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि इसको मेंटेन करके रखना है। डिनर के बाद मैं एक्चुअली थोड़ा नर्वस था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दो लुक जो दिखाए थे उसके, वो फर्स्ट हाफ से बिल्कुल ही अलग थे। ओवरऑल किरदारों को, कहानियों को लेकर अब लोगों की अप्रोच बदलती जा रही है, क्योंकि अब वो सिर्फ हीरो विलन और हीरोइन की कहानी नहीं रही है, कहानी अब किरदारों के बारे में कही जा रही है। और किरदार कहीं ना कहीं जितने रियलिस्टिक हों उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है उन्हें देखने में, क्योंकि कहीं ना कहीं वही नयापन आता है। वो एक्सपेक्टेशन बना ली है कि आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा कि अरे इसने अच्छा काम कैसे कर लिया। सुहा ने मेरे साथ फिल्म देखी और मुझे अच्छा, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट वो मिला जब उसने मुझे पिक्चर ख़त्म होने के बाद बोला कि अभी मुझे तुम्हारे साथ घर जाना है, लेकिन मुझे अब तुमसे थोड़ा डर लग रहा है। थोड़ा सा डर, मैं बस आई थिंक हर एक एक्टर के लिए सबसे बड़ा वैलिडेशन यही होता है कि उसका काम लोगों को अच्छा लगे। और थैंक्स टू क्रिटिक्स एंड सोशल मीडिया, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके बारे में या फिल्म के बारे में लोग क्या कह रहे हैं, तो हमें वो एक्सेस भी मिलता है। सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं है, जो आपने खुद पढ़ी हैं वो भी हैं। सो एंड आई कांट बी हैप्पियर फॉर द फैक्ट दैट कुछ अलग करने की कोशिश की थी इस बार, कुछ नया, और वो भी लोगों को अच्छा लगा। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड, एंड आई थैंक ईच एंड एवरीबडी हुज काइंड ऑफ वॉच द फिल्म, लाइक माई कैरेक्टर एंड हैड टू से गुड थिंग्स अबाउट इट। एज एन एक्टर जब भी कोई फिल्म आती है एंड उस कैरेक्टर को का खास करके बहुत ही पसंद किया जाता है, सो क्या फील करते हैं एज एन एक्टर कि अब तक और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि बिल्कुल आने वाले दिनों में मुझे और ऐसा करना है और इस तरह के कैरेक्टर? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक जब कोई आपके काम की तारीफ करता है और उसको आपका काम अच्छा लगता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि इसको मेंटेन करके रखना है, क्योंकि अगर ये रिटायरिंग फिल्म होती तो एक अलग बात है, लेकिन अभी बहुत सारा काम करना है, तो कहीं ना कहीं अब आपने वो एक्सपेक्टेशन बना ली है कि आपसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, कोई ऐसा नहीं होगा कि अरे इसने अच्छा काम कैसे कर लिया। तो लिव अप टू दैट एक्सपेक्टेशन, एंड एवरी टाइम ग्रीड ये होती कि उसको थोड़ा और पुश कर सकता हूँ क्या, थोड़ा और बेटर कर सकते हैं क्या। सो दैट आई थिंक वही चीज़ है जो आपको कीप्स यू ऑन योर टोज और मेक्स यू वॉन्ट टू डू बेटर एवरी सिंगल टाइम। पुलिस के अगर मैं कैरेक्टर की अगर बात करूं तो हमारी इंडस्ट्री मतलब जब से स्टार्ट हुई है मिस्टर अमिताभ बच्चन एंड उससे भी पहले लोग करते आए हैं, ना ना आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आपको इस फिल्म में पुलिस का एक कैरेक्टर करना है एंड वो भी इस तरह से कि लास्ट में जी 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 भी होगा, सो प्रेशर फील कर रहे थे आप कुणाल जी की अरे यार ऐसे कुछ? आप बताइए। एक्चुअली मेरे लिए लकीली मैंने कभी पुलिस वाले का किरदार नहीं किया फिल्म में, और मैं हमेशा नर्वस रहता था कि यार वो कैसे मैं लगूंगा नहीं लगूंगा, बॉडी लैंग्वेज होगी, लेकिन वो मुझे थोड़ी हेल्प होगी क्योंकि मैंने पिछले साल एक शो किया था अभय, जिसमें वो पुलिस वाला है, तो आई थिंक मेरी कहीं ना कहीं वर्कशॉपिंग उससे हो गई थी, वो भी अभी सीज़न 2 में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मलंग से थोड़ा वो और वर्कशॉपिंग हो गई है, तो आसान पड़ेगा मेरे लिए थोड़ा करना। लेकिन आई रियली एन्जॉयड प्लेइंग द माइकल का किरदार, क्योंकि बिसाइड्स द फैक्ट दैट एक वो पुलिस वाला है, एक तो सीरियसनेस वो वैसे ही है उसकी भी, लेकिन उसके अलावा उसमें इतने सारे लेयर्स थे जो धीरे 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 खुलते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट वो हर एक लेवल पे सरप्राइज करने में कामयाब रहा, क्योंकि ट्रेलर के बाद मैं एक्चुअली थोड़ा नर्वस था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दो लुक जो दिखाए थे उसके, वो फर्स्ट हाफ से बिल्कुल ही अलग थे, क्योंकि फर्स्ट हाफ में अगर आप उसको देखेंगे तो बहुत ही काम, कलेक्टेड, राइटियस आदमी लगता वो, तो मुझे ऐसा लगा था यार कहीं वो थोड़ा शक तो नहीं होने लगेगा उस पर, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट इट वर्कड आउट। हमारी इंडियन सोसाइटी में अब जिस तरह से निगेटिव कैरेक्टर को लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं, कैसे देखते हैं आप एंड क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, क्योंकि एक विलन आई थी अगर जी देखा तो रितेश देशमुख के कैरेक्टर को लोगों ने बहुत ही अप्रिसिएट किया, सो अब इस फिल्म खास करके आपके कैरेक्टर को वो भी जो कि निगेटिव है तो उसे लोग बहुत ही पसंद कर रहे हैं, सो कैसे देखते हैं आप हमारी इंडियन सोसाइटी, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जो सिनेरियो चेंज हो रहा है निगेटिव को लेकर? बिल्कुल, मुझे लगता है ओवरऑल किरदारों को, कहानियों को लेकर अब लोगों की अप्रोच बदलती जा रही है, क्योंकि अब वो सिर्फ हीरो विलन और हीरोइन की कहानी नहीं रही है, कहानी अब किरदारों के बारे में कही जा रही है, और किरदार कहीं ना कहीं जितने रियलिस्टिक हों उतना ही ज़्यादा मज़ा आता है उन्हें देखने में, क्योंकि कहीं ना कहीं वही नयापन आता है, वरना कहीं वही मोनोटोनी होती है। और आज मुझे ऐसा लगता है क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आज हमारे देश के लोग बहुत सारा वर्ल्ड का टेलीविज़न हो या सिनेमा हो उसको देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें वो सारी चीज़ों की एपेटाइट ऑलरेडी आ चुकी है, और हमारे देश में ही इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अब बातें हो रही हैं, और आई थिंक पहली बार ये ऐसा समय है जहाँ पे अब जब हीरो हैं उनको भी एक एंटी हीरो क्वालिटी दिखाई जाती है, और क्योंकि वो कहीं ना कहीं रियलिटी से ड्रिवन है, पीपल एक्सेप्ट इट एंड दे लाइक इट एंड दे एंजॉय इट, सो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग टाइम्स।
इसलिए मलन की अगर बात करूँ, फैमिली मेंबर भी आपकी बहुत बड़ी है, सो आप बताइए कि किस किस ने देखी है, क्या वहाँ से क्या रिस्पॉन्स मिला है? सुहा ने मेरे साथ फिल्म देखी और मुझे अच्छा, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट वो मिला जब उसने मुझे पिक्चर ख़त्म होने के बाद बोला कि अभी मुझे तुम्हारे साथ घर जाना है लेकिन मुझे अब तुमसे थोड़ा डर लग रहा है, थोड़ा सा डर। सो आई थिंक कॉम्प्लीमेंट दैट आई रियली एंजॉयड। भाई करीना, आई डोंट नो इफ दे हैव सीन द, आई डोंट थिंक दे हैव सीन द फिल्म येट, बट ओवरऑल जो रिस्पॉन्स आया है वो सब तक पहुँचता है एंड देव बीन वेरी हैप्पी एंड देव रीच्ड आउट टू मी एंड लेट मी नो दैट दे वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ मी। चलिए, 2020 में अभय 2 जैसा कि आपने बताया कि आपकी आने वाली है, तो वो बता दीजिए कि ये कब तक आ जाएगी? अभी हम उसकी अगले हफ्ते से शूटिंग शुरू कर रहे हैं, मुझे पता नहीं अब, अभी आई थिंक 2.5-3 महीना बन शूट होगा, उसके बाद आई थिंक सम टाइम इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर वो शुरू हो जाएगा। उसके अलावा लूट केस है फिल्म जो अप्रैल में आएगी, अब फिर इंशाल्लाह अपना गोलमाल है, गो गॉन 2 हैं जब वो होंगी, और एक और बात अभी चल रही है बट अभी बहुत अर्ली स्टेजेस है। काफ़ी 2020 में काफ़ी बिजी शेड्यूल रहने वाला है, टचवुड होपफुली यस। मुझसे आप अक्सर लोग बोलते थे आप ज़्यादा नहीं दिखते, तो मैंने अभी वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।